नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे सोनालिका का टाइगर 50 है भाइयों। इस ट्रैक्टर के पूरे स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। पहले ट्रैक्टर देख लो आप, सोनालिका का लेटेस्ट जो सीरीज है टाइगर की, उसी का DI 50 है भाइयों। तो भाइयों ट्रैक्टर को फ्रंट से देख लो पहले। अगर फ्रंट से ही बात करें तो सामने ही आपको टाइगर का ये 3D कटिंग में लोगो मिल जाएगा और ऊपर सोनालिका लिखी हुई है। फ्रंट में आपको 4 हेडलाइट मिलेंगी हेलोजन बल्ब के साथ, और भाइयों साइड में ही DRL दी गई है, ये देख लो आप। और काफ़ी बड़ी जाली है, जाली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये देख लो, और इधर भी है भाइयों। और इसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिल जाता है। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, ये देख लो भाइयों। फ्रंट एक्सल जो है भाइयों नॉन एडजस्टेबल मिलेगा, और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर आता है ये देखो। और सामने जो ये मुड्डी वगैरह काफ़ी हैवी बना के दी है, और फुल्ली एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ है। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, सामने को झुका हुआ काफ़ी शानदार है, ये देखो भाई। वहीं अगर टायर साइज के बारे में बताऊं तो पीछे वाले 14x28 के टायर दिए गए हैं ट्रैक्टर में C8 के, और आगे वाले 750/16 के टायर हैं। अगर ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बात करेंगे तो ट्रैक्टर 3 सिलेंडर लगभग 3064 CC इंजन के साथ आता है, जो कि 52 HP प्रोड्यूस करता है। और ये सभी चीज़ें ट्रैक्टर पे मेंशन भी करके दी गई हैं भाइयों, ये देख लो। 52 HP कैटेगरी और हाई टॉर्क 205 Nm प्रोड्यूस करता है। और ट्रैक्टर के जो भी फीचर हैं भाइयों वो दिए गए हैं। इसमें 4D एयर कूलिंग सिस्टम आता है, पावर स्टीयरिंग की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। डिज़ाइन इन यूरोप द्वारा डिज़ाइन किया गया ट्रैक्टर है। स्मूथ शिफ्टिंग लीवर जो शटल शिफ्ट का दिया है, एक्सो सेंसिंग हाइड्रोलिक। भाई सोनालिका बता रही है कि इसकी हाइड्रोलिक भी काफ़ी अच्छी सेंसिंग वाली है। कुछ चीज़ें इधर भी मेंशन करके दी हैं, उन्हें भी दिखाऊंगा भाइयों मैं। यहाँ पे हैवी ड्यूटी माइलेज की एक बैजिंग दी गई है। ऑयल इमर डिस्क ब्रेक, मल्टी स्पीड शटल टैग दिया गया है, ड्यूअल क्लच और लिफ्टिंग कैपेसिटी 2000 kg की। ये सभी चीज़ें ट्रैक्टर पर मेंशन करके दी गई हैं भाइयों। ये इसके इंडिकेटर हैं फ्रंट वाले, ये भी काफ़ी शानदार और स्टाइलिश लुक में दिए गए हैं। मड गार्ड देख लो भाइयों, काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी भारी बना के दिए हैं, ये देख लो। ये इंजन है भाइयों, बोनेट खोल के भी दिखाऊंगा इसका कैसा इंजन है अंदर बाहर से। एक बार बोनेट खोलियो भाइयों, पुश बटन से ही इसका बोनेट खुल जाता है। ये देखो भाइयों, एक बच्चे ने ही खोल दिया बोनट। ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया गया है, ये 3 सिलेंडर इंजन। ये कूलेंट रिजर्व वायर है ट्रैक्टर के अंदर, 2 गैस स्टड यहाँ लगा के दिए हैं, काफ़ी शानदार, ये देख लो। और भाइयों फ्रंट पे ही आगे जाली लगा के दी है रेडिएटर के आगे, और फ्रंट में यहाँ पे बैटरी काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करके दी है, ये देख लो। एमरॉन की बैटरी है, काफ़ी शानदार, ये देखो भाइयों। ये CAV के पंप के साथ आता है, 3 सिलेंडर इनलाइन फ्यूल पंप के साथ ट्रैक्टर है। और इंजन काफ़ी भाइयों शानदार है, ये देखो। और सिंगल पीस बोनेट के साथ आता है, और बहुत ही आसानी से खुल बंद हो जाता है इसका बोनेट, ये देख लो भाइयों। एक छोटा सा बच्चा भी इसे आसानी से खुल बंद कर देगा। अब भाइयों ट्रैक्टर पे ना एक बार मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा ऊपर का क्या मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक हैंडल बार दिया गया भाइयों, इधर से ही पकड़ सकता है किसान साथी। और यहाँ पे हैंडल बार है, ये देखो फुट स्टेप दिया यहाँ पे, काफ़ी शानदार। और बिल्कुल प्लेटफॉर्म जो है फ्लैट बना के दिया है, कोई भी बम्प नहीं है ट्रैक्टर के बीच में, बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ है। और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा है, तो एक बार ऊपर चढ़ के दिखाऊँगा भाइयों ट्रैक्टर को, ये देखो भाइयों। ये
ये भाइयों इसका मीटर कंसोल है, काफ़ी शानदार जैसे गाड़ियों में आता है। और स्टीयरिंग भी काफ़ी स्मूथ है, सटल शिफ्ट कलीवर इधर रेस के लिए। और भाई चार गियर इधर हैं राइट हैंड पे लीवर में, और इधर लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई स्पीड के साथ आता है ट्रैक्टर, ये पीटीओ के लिए इधर। तो ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है। रेस का पैडल देखो भाई, ये वाला काफ़ी शानदार बना के दिया। और ब्रेक वगैरह ऑयल इमर्ड काफ़ी बढ़िया हैं, और बैठने के लिए काफ़ी खुला खुला बना के दिया भाई। ये सभी चीज़ें हैं ट्रैक्टर के अंदर, ये देख लो। और फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आता है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन है तो शानदार तरीके से दिखाई देता है फ्रंट से ट्रैक्टर में। और यहाँ पे भी सोनालिका का ये कटिंग में, और ये क्रोम लगा के दिए भाई यहाँ पे इसकी टंकी में। और टंकी की अगर डीजल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 55 से 60 लीटर की है, ये देख लो। अभी पीछे से भी दिखाऊंगा ट्रैक्टर को, ये भाई पीछे से ट्रैक्टर है, ये देख लो। पीछे काफ़ी बड़ी भाइयों एक लाइट लगा के दिए, जिससे कि किसान साथी अगर रात में कोई भी काम कर रहा है तो उसे पीछे प्रॉपर दिखाई दे सके। भाइयों पीछे ब्रेक लाइट, इंडिकेटर के लिए काफ़ी शानदार तरीके से लाइट बना के दिए। ये पीछे दो DCV वाल लगा के दिए हैं, ये देख लो भाइयों। और उसी में ही अलग से एक लीवर दिया है, जिससे किसान साथी को जो हाइड्रोलिक वाले अलग से लीवर हैं उन्हें ना छेड़ना पड़े, जो हाइड्रोलिक के लीवर हैं उन्हें ना छेड़ना पड़े। लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी शानदार बना के दिए 2000 kg की। और तीन सेंसिंग पॉइंट दिए भाई ट्रैक्टर के अंदर, ये देख लो। और सेंसिंग के मामले में काफ़ी शानदार बता रही है सोनाली का इस ट्रैक्टर को, ये देख। तो भाइयों एक बार ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनवा के दिखाऊंगा क्या आवाज़ निकालता है ट्रैक्टर। देख लो भाइयों तीन सिलेंडर इंजन की आवाज़ काफ़ी शानदार। तो भाइयों ये था सोनाली का DI-50 टाइगर का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।